हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर रियल नंबर, उसका प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोज़ को देख कर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन पी बाय क्यू फॉर्म। पी बाय क्यू फॉर्म का मतलब क्या होता है कि रैशनल फॉर्म या फिर डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है ना उसके फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए ना आपको तीन तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें यहां पर एक नंबर के बाद डेसिमल है, मतलब ऐसा रहेगा 0.6, ये एक टाइप, 0.66 ये दूसरा, 0.666 ये तीसरा टाइप। तीन टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो हर एक टाइप का पैटर्न फिक्स है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 डॉट, ऐसे लिखने का। इसके बाद यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स करूँगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। मैं दोनों साइड क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल एक नंबर के बाद है, दो नंबर के बाद रहेगा तो 100, तीन नंबर के बाद रहेगा तो 1000। तो यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन रहेगा वो क्या, इसको मैं पुट अप करूँगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 0.666 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये फर्दर सॉल्व होगा तो 10x इज इक्वल टू, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक नंबर आगे जाता है, मतलब ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा। और इसको मैं क्या पुट अप कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा माइनस, बड़ा माइनस छोटा होता है। बड़ा वैल्यू कितना है 10x, माइनस छोटा वैल्यू कितना है 1x इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना है 6.666, फिर माइनस 0.666। याद रखना, अगर इधर पॉइंट के बाद आप 3 6 लिख रहे हैं तो इधर भी आपको 3 लिखना है, 4 लिख रहे हैं तो 4 लिखना है। जितना आप पॉइंट के बाद लिखेंगे उतना आपको दूसरे वाले टर्म में भी लिखना है, और उसके साथ डॉट 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 डॉट। चलिए 10 - 1x इतना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू। अब इसमें ध्यान देना है, जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको आपको नहीं देखना है, डेसिमल के पहले वाला देखना है। इधर 6 से इधर 0, 6 - 0 कितना होगा 6 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा 6/9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2/3। तो लास्ट में आपको आंसर क्या लिखना है, देयर फोर 0.6 डॉट इज इक्वल टू 2/3, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए तो इसके आगे के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, 0.37 बार। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, लेट x इज इक्वल टू 0.373737 डॉट 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 डॉट। क्या बोला है, जो बार है, बार मतलब क्या, 37 आपका रिपीट हो रहा है, तो उसको मैं दो तीन बार लिख दूंगा रिपीट करके और डॉट 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 लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, दो नंबर है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, बी एस का मतलब बोथ साइड, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना होगा 0.373737 डॉट 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 इंटू 100। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, अगर एक जीरो है तो डेसिमल एक नंबर आगे जाएगा, दो जीरो है तो डेसिमल दो नंबर आगे जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, और इसको आप पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। तो इसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 1। तो बड़ा कौन है, 100x, और छोटा ये 1x है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 100x माइनस 1x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 37.3737 डॉट 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 माइनस 0.3737। देखना दो बार इधर लिखा है तो इधर भी आपको दो बार लिखना है, फिर डॉट 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 लगाना है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99x इज इक्वल टू, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपकी हट जाएगी, फिर इधर आपका 37 है, इधर आपका 0, तो 37 माइनस 0 कितना होता है 37 होता है। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 37 37 37, फिर यहाँ पर कितना 0 - 37 37, माइनस करोगे तो 0 0 0 0, और यहाँ पर आता है 37.0। तो 37.0 नहीं लिखते, इसीलिए सिर्फ आप क्या लिखोगे, 37 37। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37/99। इसका मतलब क्या, देयरफोर 0.37 बार इज़ नथिंग बट योर 37/99।
आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं ये वाले पार्ट पे। देखिए यहाँ पर भी सेम, लेट x इज इक्वल टू 3.171717 ... ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी डेसिमल के बाद दो नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3.171717 ... चलिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, दो डेसिमल आगे जाएगा तो 317.171717 ... याद रखना। इसके बाद इधर तीन था, एक आगे ले लिया तो आगे आप और बढ़ा सकते हो क्योंकि ये रिकरिंग है ना भाई, वो नंबर बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर टू। अब आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग टू एंड वन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू एंड वन। इक्वेशन टू आपका कितना है 100x माइनस 1x इज इक्वल टू, और ये वैल्यू कितनी 317.1717 माइनस, अच्छा ये ... होगा, फिर होगा आपका माइनस, फिर होगा 3.1717, दो ही बार लिखा है तो दो बार लिख के फिर आपको क्या लिखना है डॉट लिख 100x, ये आपका हो जाएगा 99x। अब मैंने क्या बोला, इसमें आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट नहीं देखना क्योंकि वो ऑब्वियस क्या होता है, जीरो होता है। 317 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 314, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 314/99। देयरफॉर 3.17 बार इज नथिंग बट योर 314/99। अब आपको ये सेक्शन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, लेट x इज इक्वल टू 15.89898 ... फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद दो नंबर है तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15.898989 मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान देना ये आपका रहता है ... इंटू आपका क्या होगा 100, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 15.89.8989... ये आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन। यहाँ पर 100x है, इधर कितना है 1x है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 100x माइनस 1x इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू कितनी 15.89.8989 ... माइनस, इसके साथ माइनस करेंगे तो 15.8989 ... पॉइंट के बाद दो डिजिट मैंने लिखा 89, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद आपको उतना ही लिखना है। माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, ये राइट हैंड साइड वाला वैल्यू तो वैसे भी जीरो हो जाता है, तो 15.89 - 15, तो ये हो जाएगा आपका 4, 9 - 5 = 4, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 5, ये 1, तो आंसर कितना आएगा 1574। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1574/99। देयरफॉर क्या वैल्यू दिया है 15.89 बार इज इक्वल टू 1574/99, मतलब 99, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला, देखो 2.514, यहाँ पर ना अभी तीन डिजिट का वैल्यू दे दिया, तीन डिजिट का वैल्यू अगर दे दिया तो आपको स्टार्ट दो, एक डिजिट रहे, दो डिजिट रहे, कुछ भी रहे, स्टार्ट सेम करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट एक्स इज इक्वल टू 2.514514514... इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, डॉट के बाद तीन डिजिट है मतलब मल्टीप्लाई बाय 100,000 करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2.514514514 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1000x। इसको सॉल्व करेंगे तो जब सिंगल एक जीरो था मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक नंबर आगे जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 दो नंबर, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो तीन नंबर, तीन नंबर मतलब डेसिमल आपका 2514 पॉइंट इधर आ जाएगा 514514... ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका था इक्वेशन नंबर 2, फिर आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन टू एंड इक्वेशन वन. इक्वेशन टू में देखो क्या दिया, 1000x, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000x माइनस 1x इज इक्वल टू, इसको 2514.514514.... माइनस, इसके साथ माइनस करेंगे तो 2.514514... याद रखना डॉट की बात, अगर इधर आप दो सेट लिख रहे हो तो इधर भी आपको उतना ही लिखना है. माइनस करोगे तो 999x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला दोनों वैल्यू आपका गायब हो जाएगा. 2514 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2512, तो x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 99. देयरफॉर वैल्यू कितना है, 2.514 इज इक्वल टू 2512 अपॉन 99. बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है. अगर आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ये तीन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चालू है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं. चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.